अभी हमारे साथ किन्नर समाज की अद्विका हैं और कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने एक लड़के से शादी कर ली है। फिलहाल ये शादीशुदा है, मांग में सिंदूर देखिए, गले में मंगलसूत्र देखिए, एक पूरी औरत बन चुकी है ये और शादीशुदा औरत है। कहानी कुछ अब ऐसी हो चुकी है कि अब ससुराल वाले इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को मार पीट के गाली दे के भगा दिया गया है घर से और काफी ज्यादा ये लोग अब परेशान हैं और कष्ट में हैं और इनकम का स्रोत भी नहीं है। सही बोल रही हूँ मैं? जी जी बिल्कुल सही बोल। शादी करके पछता रहे हैं कि इतना ज्यादा मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। काश मतलब एक नॉर्मल सी ये लड़की होती तो ये सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं। जी नहीं, शादी करके मैं कुछ नहीं पछता रहा हूँ क्योंकि अब समाज के लोग बोलते हैं कि आप लोग आपने ट्रांसजेंडर से शादी कर ली, आप एक पुरुष हैं, बच्चा कैसे पैदा करेंगे। देखिए समाज को भी आ गया, मैं बोली कहाँ से उठा के लेके आए हो, पता नहीं किन्नर है, छक्का है, क्या है, पता नहीं क्या है, ऐसे बोलती है आपकी मम्मी की ये किन्नर है, छक्का है, कहाँ से उठा के ले आए। हाँ जी, फिर उस मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें लड़की नहीं मिली, तुम छक्का ले आओ, किन्नर ले आओ, तुम भी वही हो, तुम भी उसी समाज में चले जाओ, हमें धक्का मतलब आपको भी छक्का और किन्नर बोला जाता है। हाँ, बोलते हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, जान से मरवा। तो पहली बार जब इनकी फोटो देखी तो आपको नहीं पता चला कि मतलब ये किन्नर समाज की हैं? नहीं, मुझे जो अभी फिलहाल आपकी पत्नी बन चुकी हैं। हाँ, नहीं, भीख मांग रही है। आप सामने आए, जितने भी किन्नर अखाड़ा आए हैं पूरी इंडिया की, जितनी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ाओं को बुला रही हैं अपने सपोर्ट में। जी जी, किन्नर अखाड़ाओं की सारे महामंडलेश्वर को तो बोलते हैं कि कहाँ से लेके आ गया, चले जाओ। मेरी मम्मी बोलती है कि कहाँ से लेके आओ, पता नहीं कौन से एरिया में काम करती होगी रेड लाइट में। तो हमने बोला कि देखो इंस्टाग्राम से हुआ प्यार और दोनों ने रचा ली शादी, लेकिन अब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर है और ये एक लड़के हैं, इसलिए अब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिलहाल इन्होंने शादी कर ली है, मांग में सिंदूर देखिए, गले में मंगलसूत्र देख लिए, देखिए अब ये शादीशुदा औरत है, लेकिन घर वाले ससुराल वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मार के भगा रहे हैं और इन लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी, मैं एक ट्रांस महिला हूँ, मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ। क्या परेशानी हुई? सबसे बड़ी परेशानी, देखिए परेशानी तो कुछ नहीं है और परेशानी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हमें जागरूक होने की, एकत्रित होने की जरूरत है और जो हमारे समाज में कुप्रथाएं हैं, जो इस टाइप की बातें, उनको खत्म करने की जरूरत है। एक टाइम था जब सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठी थी और सती प्रथा खत्म हुई, तो आज तो हम एक मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं जो हम सारे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर जब हम इतने मॉडर्न सोसाइटी में रहने लगे, मॉडर्न हो गए, तो क्या हम उसी मामले में मॉडर्न हुए जो हमारे काम की चीज है, या फिर हम सब मामले में मॉडर्न हुए जहाँ अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए? तो इनके घर वाले जो हैं वो पॉलिटिक्स पावर वाले लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने मुझे बार बार नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी दी है, बिहार के तेजस्वी भैया के नाम से धमकी दी है। अब मैं, मुझे नहीं पता इसमें कितनी परसेंट सत्यता है, इनके पापा के नाम नंबर से मैसेज आई थी। अब ये तो जाँच का विषय है, ये पुलिस प्रशासन को इस पर जाँच करना होगा कि क्या सत्यता है। अगर धमकी दी है तो आरजेडी, अगर वो आरजेडी के कार्यकर्ता है, तो पहले तो मैं हाजुर के आरजेडी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको आरजेडी से निकाल के फेंका जाए। अभी ऐसे भी इलेक्शन का टाइम है, आपके नाम बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिशें चल रही होंगी, अब पता नहीं इसकी क्या सत्यता। मतलब धमकी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नीतीश कुमार जी के नाम से, जो मुख्यमंत्री होते हैं उस राज्य के पिता होते हैं। बिल्कुल जी, और एक पिता के राज्य में उसकी अपनी नूतन राजधानी, नई राजधानी बिहार में इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बहुत निंदनीय ये बातें हैं। क्योंकि बात बहुत छोटी है, बट ये बात बहुत छोटी नहीं रही है, क्योंकि इसमें खुल के समाज को आने की जरूरत है। हमारी बिहार सरकार 1.5 लाख रुपए सेक्स री असाइनमेंट के लिए पैसे दे रही है, भारत सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। गवर्नमेंट इतनी अफेयर हो सकती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स अफेयर हो सकती है तो समाज क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी तो इसी समाज की अंग हूँ। ये किन्नर समाज से आती है और हमेशा आपने देखा होगा कि किन्नर समाज के लोग बस स्टॉप पे, टोल टैक्स पे या फिर घरों में जा के बधाई मांगती है और फिर अपना गुजर बसर करती है। लेकिन इन्होंने पढ़ लिख के अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, ये शादी करके खुशहाल जीवन जीना चाहती है, लेकिन लोगों को वही पसंद है कि ये लोग टोल टैक्स पे पैसे मांगे, मार दंगा करे लोगों से और लोगों को परेशान करे। क्यों? क्योंकि इनको अपना गुजर बसर कैसे चलेगा जब तक ये लोगों को परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये लोग टोल टैक्स पे खड़े होते हैं, हमारी कम्युनिटी ट्रेन मांगते हैं, तो भी प्रॉब्लम समाज को ही होती है, और जब आज हम समाज में नॉर्मल तरीके से रहना चाहते तो भी प्रॉब्लम समाज को ही होती है। अब मुझे तो ये समाज ही बताए क्या मुझे जीने का अधिकार है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे मार दिया जाए, मैं खुशी खुशी मौत को गले लगाने को तैयार हूँ। अगर जीने का अधिकार है तो फिर मुझे कुत्तों की तरह जिंदगी चाहिए, जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए।
फिर मुझे खुलेआम जीने देना चाहिए जैसे आप जी रहे हैं, और मुझे मेरे अधिकारों का संरक्षण करें, समाज को सामने आना पड़ेगा क्योंकि पुलिस प्रशासन बिक चुकी है और मैं पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। और कल को मुझे कोई मार देता है, इनके घर वाले मार देते हैं, उनकी जिम्मेवारी इनके घर वाले की, और बहुत सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी जो अभी तक उन्होंने इतनी धमकी मिलने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी आवाज़ खुद उठा रही हैं, ये सबसे बड़ी मजबूती है इनकी। आप इनके पति हैं? हाँ जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मामला क्या है, क्यों आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, मामला छोटा सा है, मेरे पिताजी से बात होती थी, उनको मैंने बताया था, और मेरे पिताजी जानते थे कि ये ट्रांसजेंडर है, और मेरे पिताजी से 2-3 घंटे हमेशा बात होती थी, और मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम मेरी घर की बहू हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पिताजी? नहीं, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को इंस्टाग्राम से? मैं एक ही बात बोलूंगी, भगत सिंह सबको पसंद है, बस बेटा किसी और का होना चाहिए, अपने घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। समाज सबको बदलना है, शुरुआत तो मेरे घर से नहीं होना चाहिए, ये नीतियों को आपको तोड़नी पड़ेगी। आज आपके बेटा ने एक बहुत बड़ी काम किया, समाज को सुधारने की आईना दिखाई है, तो आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, मिलजुल के सामने आना चाहिए। मैं सारे वकील से भी हाथ जोड़ के दुआ, मतलब मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सिर्फ मनीष कश्यप का केस लड़ेंगे, एजेंट बेटियों का बलात्कार हो गया है, उसके बलात्कार होने के बाद उनका केस लड़ेंगे। आज मणिपुर में जो हमलाएं हुई, घटनाएं को अंजाम दी गई है, बहुत निंदनीय घटना है। आज वहां बहुत सारे लॉयर्स, मानव महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स, सब लोग वहां खड़े हैं। देखिए, मेरे साथ भी खड़े होंगे, लेकिन तब जब मेरी घटना होने के बाद जब मैं मर जाऊंगी, आज मैं बोल बोल के थक रही हूँ, कोई मेरा साथ खड़ा नहीं। जिस दिन मेरी मौत हो जाएगी, उस दिन हाई तब होगा, पूरे बिहार जाऊंगा, पूरा भारत में अफरातफरी मचेगी, लेकिन तब जब मेरी मौत हो जाएगी, तो अब अगर आप चाहते कि हम जिंदा रहें और आपके साथ रहें, समाज को सुधारने में आप हमारे साथ आएं, समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक कदम बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि अगर आप हमारा एक कदम बढ़ाएंगे, तो हम जैसे ट्रांसजेंडर जो भटकते हैं रोड पे या टोल टैक्स पे, शायद हमें देख के आगे वो भी पढ़ने की कोशिश करें और सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करें। और रही बात बच्चे अडॉप्ट करने की, सर हम अडॉप्ट कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चा पैदा करने के बाद। आपके ससुराल वाले आपको बच्चे के लिए भी बोलते हैं कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते? हाँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर काफी लोगों ने भी कॉमेंट्स किया है ऐसे कि बच्चे कहाँ से पैदा करोगे। बच्चा पैदा करने की औरतें कोई मशीन नहीं है, पहली नंबर तो बात। क्या एक पति पत्नी के लिए बच्चा पैदा करना इतना जरूरी है कि वो लोग रिश्ता ही नहीं मंजूर कर रहे हैं समाज में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, ये बात हमारी समाज को भी समझने की आवश्यकता है। बच्चा हो, अगर मान लीजिए इनकी शादी कल किसी लड़की से करवा दिया, अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, उनको छोड़ के फिर दूसरा करवाएंगे? तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले, जो है चीजों को एक्सेप्ट करिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, बच्चा पैदा करने के बाद डस्टबिन में डाल देते हैं, पन्नी में बांध के नालियों में फेंक देते हैं, आप उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो मैं वही चाहती हूँ कि आज मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मैं ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करूँ, मैं उनकी माँ बनूँ। माँ बनने के लिए अपनी कोख से बच्चा होना जरूरी नहीं है, मातृत्व होनी जरूरी है, उनके अंदर ममता होनी जरूरी है, और ममता तो मेरे में इतनी है कि मैं क्या बखान ही करूँ। तो एक कदम बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि बच्चा पैदा करने के लिए ममता होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि अपने कोख से ही बच्चा पैदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो यही कह रही हूँ कि आज हम समाज सुधारने में एक कदम हम दोनों ने चलाई, आगे उठाई है, एक कदम आप चलें, हम दोनों मिलकर कैसी समाज की रचना करें जहां अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम में न रहना पड़े, अनाथालयों में न रहना पड़े, और हमें रोड पे न भटकना पड़े। आपका एक कदम बहुत बड़ा सहयोग होगा, और एक आपके एक कदम से पता नहीं कितने लोगों की लाइफ सेटल हो जाएगी। आप आज आपके एक कदम की हमें बहुत ज़रूरत है, आप खुल के सामने आएँ, क्योंकि प्रशासन बिक चुकी है। तो ये आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद चाहिए इनको। अच्छा भैया, ये बताइए, आप लोगों को प्यार कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हम लोग, इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, इंस्टाग्राम से हम एक फ्रेंड बने, फिर कुछ दिन बाद हम लोग मिलना जुलना स्टार्ट किए। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो हमने जगदेवपथ क्लिनिक पर लेके गए, उसके बाद तो आपको पता चला कि ये किन्नर समाज से आती हैं और आपसे प्यार करती हैं? हाँ, क्योंकि जनरली हम भी बाहर रहते थे, तो आज के डेट में सबको अवेयरनेस हो चुका है कि LGBT कम्युनिटी को जानता है, तो ये अपना सोशल एक्टिविटीज थी, तो ये मुझे पता था पहले से। और फिर जब हम मिले, एक दूसरे को जाने, फिर उसके बाद हम लोगों ने शादी की, शादी कर ली। अच्छा, आपके घर वाले क्या बोलते हैं इनको? मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें लड़की नहीं मिली, तुम छक्का ले आओ, किन्नर ले आओ, तुम भी वही हो, तुम भी उसी समाज में चले जाओ, हमें धक्का। मतलब आपको भी छक्का और किन्नर बोला जाता है? हाँ, बोलते हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, जान से मरवा के फेंकवा देंगे, दारू में दारू के इंजाम में तुम्हें लगा देंगे, ऐसा आपके परिवार वाले बोलते हैं? हाँ, मेरे पिताजी बोलते हैं। मैं यहाँ पे इनको रोकना चाहूँगी, बिल्कुल इनके पिताजी ने ऐसा कहा है, 250 पेज का हमारे पास प्रूफ है, हमने बिहार DGP सर को भी मेल किया है, SSP सर को भी मेल किया, बट अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है उनकी तरफ से। अगर दो बार और करेंगे, अगर नहीं आए तो हम RTI फाइल करेंगे। और रही बात ट्रांसजेंडर किन्नर पैदा होने की, सर ये भगवान का जो है एक वरदान है, जैसे लड़का और लड़की हैं, तो आज आपके घर में भी पैदा हो सकती है, कल किसी और के घर में भी, तो एक समाज का अंग है, आप इसे जानबूझ के काट के नहीं फेंक सकते, हम भी इसी समाज
एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम एक नई समाज में, हम नई समाज की संरचना कर रहे हैं, एक नई भारत की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज तो हमारे यहाँ के लोग चांद तारे पे पहुँच चुके हैं, मंगल ग्रह पे पानी खोज चुके हैं। आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने में भी दुख हो रहा है। मुझे बहुत शर्म लग रहा है कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुई हूँ जहाँ लोग एक्सेप्ट करने से इतना कतराते क्यों है। क्योंकि कल को आपके घर में भी हो सकती है, परसों किसी और के घर में, आप कितनों को मारोगे, कब तक हत्याएं करते रहोगे, कब तक इंसाफ के नाम पे मुंह बंद करके बैठे रहोगे। खुल के आपको तो सामने आना पड़ेगा। आज मैं आपकी बेटी खड़ी है और हाथ जोड़ के भीख मांग रही है, आप सामने आए। जितने भी किन्नर अखाड़ा हैं पूरी इंडिया की, जितनी महामंडलेश्वर अखाड़ाओं को बुला रही है अपने सपोर्ट में, जी जी, किन्नर अखाड़ाओं की, सारे महामंडलेश्वरों की, जितने ट्रांसजेंडर हमारे भाई बहन, ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमेन हो, या किन्नर समाज से आने वाले लोग, जितने भी लोग, सबके हाथ जोड़ के अपील है कि आज आए, वरना आपकी बहन की संरक्षण नहीं होगी। पुलिस प्रशासन बिक चुकी है, अगर कोई मुझे मार भी देता है तो कोई न्याय के लिए खड़ा नहीं होगा। आज हम सब ट्रांसजेंडर के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी, सबको समाज में इकट्ठा होने की आज बहुत जरूरत है, वरना कोई मुझे मार देगा तब हाई तौबा करके कुछ नहीं कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आपके परिवार के लोग इनके साथ? मेरे परिवार वाले जब हम 24 तारीख को थाना में गए, थाना वाले जब मुझे घर पे लेके गए 7-7:30 बजे के बीच में, उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था। वो बोले, थाना वाले बोले, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपने रूम में रहेंगे। फिर जब 25 तारीख को मेरे पिताजी बोले कि स्टेटमेंट वापस ले लो, फिर मम्मी बोली कहाँ से उठा के लेके आए हो, पता नहीं किन्नर है, छक्का है, क्या है, पता नहीं क्या है, ऐसे बोलती है आपकी मम्मी की, ये किन्नर है, छक्का है, कहाँ से उठा के ले आए। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर मेरे भाई द्वारा मारपीट की गई। जब हम बीच बचाव में गए तो तीनों को एक साथ थे, हम अकेले पड़ गए, हमें भी मारा गया, इन्हें भी मारा गया। जस्ट की मारपीट भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वीडियो हमारे पास है, मारपीट की वीडियो भी है। जी जी जी, हमने बहुत सारी मीडिया कर्मियों को दिए, बहुत सारी चैनल पर चलाई भी जा चुकी है, हम आपको भी देंगे। और समाज में जिन जिनको लगता है कि मैं झूठी हूँ, मैं उनको भी प्रूफ देने को तैयार हूँ कि मैं झूठी, सच सच को आज कैसा, सच को प्रताड़ित किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार के लोग इन्हें बहुत परेशान करते हैं और आपने भी अपने परिवार को छोड़ दिया है। हाँ जी, जब परिवार वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम उनके बेटे, बोलते तुम मर गए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसके साथ रहना तुम हमेशा के लिए, और हमें मार के भगा दिया गया। जब पुलिस प्रशासन आज एक्शन में नहीं आ रही, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि आपके ससुराल वाले पॉलिटिक्स में है, हमारा वर्दी उतर जाएगा, तो माफ कीजिएगा प्रशासन साहब, अगर कल को हम भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं उस टाइम आप बीच बचाव में मत आइएगा कि आप धरना पे क्यों बैठे हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अभी तक हमारे पास कोई भी किसी भी मंत्री जी का या किसी भी सरकारी ऑफिसर का फोन नहीं आया कि हम आपके सपोर्ट में है, इतने वायरल होने के बाद भी आज मैं अकेली लड़ रही हूँ, लेकिन जिस टाइम हम चक्का जाम पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उस टाइम फिर भी मैं किसी उसकी बात नहीं सुनूंगी, किसी प्रशासन की बात नहीं सुनूंगी। जैसे आज उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, उस दिन मैं भी हाथ खड़ी कर दूंगी। तो मैं आज भी इनसे हाथ जोड़ के दुआ करती हूं। इनके आंदोलन में सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हम दोनों को ही करेंगे, जब तक मेरा सांस है तब तक इनके साथ है। और ये आंदोलन मेरा नहीं, ये आंदोलन पूरी समाज का है, पूरी इंडिया का है, साथ तो देना होगा, वरना अगर मुझे कोई मार के भी फेंक देता तो प्लीज उसके बाद आंदोलन मत कीजिएगा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तब आंदोलन करके ही क्या कीजिएगा। आपके परिवार वालों का कैसा बिहेव रहता है इनके साथ? बहुत ही खराब रहता है, बोलते हैं कि लेके चले जाओ, कहाँ से लेके आए हो। मेरे भाई द्वारा 27 तारीख को बोल रहे थे कि फांसी लगा देंगे, फांसी लगाने जा रहे हैं हम, और यही लोग इसके जिम्मेवार हो गए। तब हमने 112 को कॉल लगाया, वो बुलाएं, 112 जब आए तो लोग बात किए, बोले कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है कि इन लोगों को इतनी मारपीट कर रहे हैं, इन्हें दबाव बना रहे, स्टेटमेंट आप ये नहीं कर सकते हैं ना, आपका बेटा है तो एक्सेप्ट करिए, इनको रूम में रहने दीजिए, और नहीं तो आप इनको अपार्टमेंट में रहने, जबकि मेरा अपना खुद का घर है, अपार्टमेंट है। वो बोले कि अपार्टमेंट में दे दीजिए, चाहे नीचे दे दीजिए, चाहे आप इन्हें लिखित में दे दीजिए कि हम रख रहे तो सुरक्षित रहे। जब लिखित की बात आती है वो पीछे चले जाते हैं। और जब मेरे भाई द्वारा फांसी लगाई जा रही थी तो वो बोल रहा था, तो हम फिर थाना गए कि सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो जाता तो हम लोग जिम्मेवार होते। जब थाना गए तो सब बिक चुकी थी, लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर, हम बैठे रहे, ये रोती रही। हमने इन्हें बोला कि थाना बिक चुकी है, तुम कितना भी रो लो, चाहे मर जाओ, कुछ नहीं होने। हम लोग 11:30 बजे रात तक थाना में थे। 11:30 बजे रात तक थाना। हाँ जी। कहाँ शादी की आप लोगों? हम लोग खगौल बाबू चक में किए थे, राम जानकी मंदिर में, 25 जून को। शादी करके पछता रहे हैं कि इतना ज्यादा मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है? काश मतलब एक नॉर्मल सी ये लड़की होती तो ये सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं। जी नहीं, शादी करके मैं कुछ नहीं पछता रहा हूँ, क्योंकि सबको जीने का हक है। तो मैं भी शादी किया हूँ, तो मैंने कोई गलत नहीं किया, सबको जीने का हक है। आप इनके साथ हैं? हाँ जी, हम इनके साथ हैं।
पूरे मजबूती के साथ, पूरे मजबूती, डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहे हैं। हमारी आवाज तभी दब सकती है जब हमें मौत की घाट उतार दिया जाए, वरना हमारी आवाज दबने वाली ही नहीं है। चाहे जितनी जोर लगा लो कातिलो, हम चुप रहने वालों में से नहीं है। हम आवाज उठाएंगे, हम पूरी इंडिया को एकत्रित करेंगे। तुम कितनों का आवाज दबाओगे, हम भी बैठे, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कितने दिन तक इनके साथ रहिएगा? जब तक मेरी सांस, मैं एक बार बोली, जब तक मुझे मौत की घाट नहीं उतार दिया जाता, मैं तब तक साथ रहूंगी। मैं लिखित में देने को तैयार हूँ, चाहे पूरी दुनिया जोर लगा ले। आपको क्या लगता है, मतलब ये मामला कितना लंबा जाएगा? देखिए, जब तक मेरी सांस है और जब तक मेरा सांस चलते रहेगा इनके नाम है। इतना गहरा प्यार? हाँ जी, क्योंकि हमने शादी की और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ में खड़े हैं, हमेशा के लिए साथ में खड़े हैं। हाँ, मम्मी पापा का कॉल आता है घर से? मम्मी पापा तो मुझे थका दिया और बोल चुके, तुम मेरे लिए मर गए हो, मेरे लिए बेटी और बेटा काफी है, तुम नहीं हो मेरे अपने, ऐसा बोल दिया मम्मी पापा ने। आपकी आंखों में आंसू भी आ गया है इस बात से। जी, और अभी तक कोई कॉल नहीं है, कुछ कॉल नहीं आता। पिछले 1.5 साल से तुम मम्मी जी तो भूल ही गए कि हम कोई बेटा भी है उनके। काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। और ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, लेकिन ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को मारा जाता है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जो कि बहुत गलत है हो रहा है इनके साथ। अगर ये लोग पति पत्नी बन चुके हैं तो अब हमारा समाज इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है जो इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इन लोगों को सुकून की ज़िंदगी चाहिए। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कल होके अगर इनके साथ कुछ घटना हो जाएगा तो आप लोग या फिर हम लोग क्या ही कर पाएंगे। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रशासन की, सरकार की, और जो इनके समाज के लोग हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप लोग देख रहे थे एचटी भारत, और इनको कमेंट करके इनको मजबूत बनाइए और इनको सलाह दीजिए कि और ज्यादा ये मजबूत बने। आप देख रहे थे एचटी भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।